आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, गुरु नानक देव जी की 151वां प्रकाशोत्सव है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुंचे हैं। गुरु नानक स्कूल की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आज गुरु नानक जी की जयंती पर शामिल हो रहे हैं। अरदास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गुरु नानक स्कूल ये पहुंचे हैं, जहां पर सिख समुदाय द्वारा अरदास का आयोजन किया गया है और कोरोना गाइडलाइंस का विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहां पर इस अरदास में सभी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे यहां पर। इससे पहले आपको बता दें कि गुरुद्वारा कमेटी ने मुलाकात भी की थी मुख्यमंत्री से और ये कहा था कि गुरु पर्व वो गुरुद्वारे में ही मनाएंगे, इस बार नगर कीर्तन का आयोजन नहीं होगा कोरोना की वजह से। और मुख्यमंत्री भी देखिए पहुंचे हैं गुरु पर्व में शामिल होने के लिए। ये गुरु नानक स्कूल से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रकाशोत्सव है आज। गुरमुख ब्रह्म विचारो नानक आपे वेक हर बिगसन गुरमुख ब्रह्म विचारो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं मीडिया बंदवा नूं बेनती करूंगा कृपा करके गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का मान सम्मान रखे, इधर को पीठ ना करें। सभी से मेरा निवेदन है जोगो जोग अटल, कोई भी इधर को पीठ नहीं करेगा। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी निकी गोते जुड़ बैठी गुरु की सम्मान है प्यारी सत्संग जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी के 551वां प्रकाश पुरब आप समूह संगतां दे सहयोग दे नाल बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल मनाया गया, जिस भी आप समूह संगतां नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी पावन प्रकाश पुरब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रांची दी सारी संस्था पासों लख 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 वधाई होए। आज सिख धर्म के प्रथम गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव का 551 आगमन प्रकाश पुरब के समर्पित झारखंड के युवा कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पहुंचे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साहिब श्री गुरु नानक देव के पावन प्रकाश पुरब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रांची की सारी संस्था गुरु नानक स्कूल की प्रबंधक कमेटी, गुरु नानक हॉस्पिटल की प्रबंधक कमेटी, गुरु गोविंद सिंह स्कूल की प्रबंधक कमेटी रांची के सभी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी इतनी सत्संग के सारी कमेटियों की तरफ से श्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। जिस तरह की आप सभी को पता ही है कि जो महामारी फैली हुई है उसका भी हमने सरकार का पूरा नियम पालन करते हुए, जो आप सभी जानते ही हैं सरकार की जो दिशा निर्देश थी उसके पहले साहिब श्री गुरु नानक देव जी के आगमन प्रकाश पुरब के समर्पित पहले 15 दिन जो प्रभात फेरी निकलती थी उसको हमने बड़ी सादगी तरीके से नहीं प्रभात फेरी नहीं निकाली, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में ही विशेष दीवान का आयोजन किया गया। उसके साथ साथ 2 दिन पहले जो नगर कीर्तन जो रातुर और कृष्णा नगर कॉलोनी से आरंभ होकर गुरु नानक स्कूल में आता था पहुंचता था तो वो भी हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जैसे भी इस बार नहीं निकाला, खाली जो सरकार की जो अनुमति नियम का पालन करते हुए विशेष दीवान
गुरु नानक स्कूल में सजाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, मैं गुरुद्वारा साहब के प्रधान गुरमीत सिंह जी को कहूंगा कि उनको गुरुघर की बख्शीश दो साल लेके सम्मानित करेंगे। राजेंद्र सिंह राजूवीर जी गुरु नानक स्कूल की सेक्रेटरी है, परमजीत सिंह टिंकू जी कमरे के सेक्रेटरी हैं, ज्योति सिंह मसारो जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब को बहुत बहुत गुरुघर की बख्शीश है। हमारा राज इसी तरह समृद्ध विशाल खुशहाल रहे इसकी कामना करते हैं। मैं सीएम साहब से आग्रह करूंगा, वो भी दो वाणी अपने संगत को आशीर्वाद देंगे, बधाई देंगे। सीएम साहब जी आज यहां हर साल की भांति इस बार भी गुरु पर्व के इस 551 जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपको और सिख समुदाय के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं। आज ये पर्व ऐसे समय पर हम मना रहे हैं जब पूरा दुनिया एक वैश्विक महामारी से ग्रसित है और इस चुनौती भरा वक्त में भी हम सब मिलकर अपने अपने आस्थाओं को अपने अपने धर्मों को बचाते हुए और इसकी परंपरागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे यहां पहली बार आने का मौका नहीं मिला, बल्कि इससे पहले भी मैं आपके बीच में आया हूं। ये सभागार निर्माण कार्य चल रहा था उस समय भी था, इससे पहले स्कूल परिसर में भी ये कार्यक्रम आयोजित था उस समय भी था और उस समय की जो चहल पहल और जो वातावरण रहा है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। लेकिन आज वो चहल पहल ना होते हुए भी हमारा आपका चेहरा मन उदास नहीं है, क्योंकि मौजूदा हालात हम समझते हैं और विशेषकर हमारे सिख समुदाय के लोगों ने इस संक्रमण में इस प्रदेश में जो अपनी योगदान दी है, मुझे लगता है ये भी एक राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण रहा है। आज इस संक्रमण के जंग में आज ये कैंपस हर चुनौती को झेलते हुए अपने को मानव सेवा के लिए 24 घंटा खुला रहा। इस दौरान मुझे यहां पर भी आने का मौका मिला था और आप लोगों के सहयोग से और ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं के सहयोग से
आज इस संक्रमण से जिस तरीके से ये राज आगे बढ़ रहा है, आप देखते होंगे कि इसको लेकर राज के अंदर किसी भी तरीके का कोई अफरा तफरी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई परेशानी या बहुत ज्यादा जो और सब राज्यों में है वो दिक्कतें नहीं है। हाँ, ये जरूर है कुछ जगहों पर जहां हम घना आबादी के रूप में हैं, उन सब जगहों पर महामारी ही नहीं कई चीजों में चुनौतियां रहती हैं, लेकिन आज इस अनजान वैश्विक महामारी का जिस तरीके से हम लोगों ने मिलकर सामना किया है, ये निश्चित रूप से ये हमारा नहीं बल्कि हमारे ऐसे ही पूर्वज, ऐसे ही हमारे लोग हैं जिनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। आज इस जयंती का निश्चित रूप से हमें मान सम्मान और आदर भाव से मनाना है, ताकि ये शक्ति हमें इसी तरीके से प्रदान करते रहे और हम मानव जीवन के लिए अपने आप को तैयार रखें। आज संयोग से मेरे लिए दो दो ये शुभ अवसर में शामिल होने का मौका मिल रहा है। आज गुरु नानक जी के इस पावन और हमारे परंपरागत त्योहार में शामिल होने का, और दूसरा अभी मैं ललपनिया जा रहा हूं जहां हमारे आदिवासी भाइयों का एक तीर्थ स्थल है जहां हर साल पूरे देश के विभिन्न कोनों से वहां पर लोग एकत्रित होते हैं और अपने आस्था को मजबूत करते हैं। आज वहां पर भी इस संक्रमण में कोई लोगों का जमावड़ा नहीं है और लोगों को आज के दिन में जमा होने के लिए मनाही की गई है, लेकिन एक परंपरागत तरीके से जो पूजा अर्चना होगी वही मात्र होगी और उसी में मैं अभी शरीक होने जा रहा हूं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है कि हम अपनी आस्था के साथ जुड़ते हुए हम लोग आज इस मुसीबत और इस समस्या का निदान ढूंढते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ श्रद्धालु आए हैं आप लोगों के ऊपर भी ये आशीर्वाद बना रहे और हम यूं ही सदियों जिस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ते आए हैं और यहां तक चले हैं, आगे भी चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद सीएम साहब जी। जैसे आपने बताया कि जो महामारी फैली हुई है कोरोना में, COVID-19 की, उसमें शिव समाज ने हमको बहुत अच्छी तरह से याद है एकदम स्टार्टिंग दौर में। कई बार हमारे डीसी साहब से, डीएम साहब से इसी परिसर में मीटिंग हुई, लेकिन हमारे समाज के हर व्यक्ति ने अपना एक बहुत योगदान दिया और हम सभी ने बहुत खूबसूरती के साथ एक एक प्राणी को, जो जरूरतमंद थे उसको एक एक प्राणी को उसके लंगर की सेवा हमने हर उसके घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे हमने इस कोरोना महामारी की पूरी मर्यादा को रखते हुए